Rajakanya. Prastuta Karta Sunpower Detergent Soap powered by Sisu Mandira Kambabu. Nani, mu Raghav kothar sabu kotha suni sarchi. Tame bhi mate kahila Arjunta Babu kemiti achanti. ये वो सुई लेनी तो तुमको आओ किसी को थी लेकि नहीं नहीं तुम जमा कांदनी तमुकु मोरानो तमे जवाब कांदनी भाउजो तमे इते भांगी पडले केमती होबो तमे देखिबो अर्धिन्दु काली सकाळे तमको सियोर सॉरी मागिबो आ कहिबो एंती काम मु केबे करिबेनी राखा तमे अर्धिन्दु बाहरी गला परे जहां सब हेछि मते कुहा कुहा राघव मैं किसी भी लुच्चा होनी, मैं दिखूँगा। भावजो, अमें भुवनेश्वर गला वाले बाटेरे। अमें ठीक टाइम रे पहुँची पालूनी बोले स्टोरी सबमिट भी ही पालूनी, और दिन तो बहुत भांगी पड़ला। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हुआ था को केबे भी देखी न थी ले। भावजो, अमे रास्ता रे फिल्ला वाले तार से गोटाई को था। वो कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करी पाल लेने, टोंका को उठवा सी वो पब्लिकेशन हाउस किमती तैयारी हो वो। भावजो, वो जेते चेष्टा को ले था को बुझे ही पाल लेने। से पी अपने जीत धरला, और बारंबार बुझेला सत्य भी से माने लानी। सॉरी भावजो, I'm extremely sorry. पारी भावजो दी, मत खेमा कर दबा, मार सोची। अर्धिन्दु कुआडे गले से तो बहुत टेंशन ले थे सी कुआडा हो हे भगवान कौन भाबुची मु अर्धिन्दु 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 तुम्हें कौन अच्छा अर्धिन्दु, तुम्हें तो लगती है नौ से छह
छत ऊपर कोन करछ तुम्ही कांदुछ उबी मजे मजे ड्रिंक्स करी घर को फेरी तब मन में बहुत कष्ट होई छी ना वो बहुत बड़ा भूल कर छी ना के चली गई है जते चेष्टा करले भी मो फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर पाउ नी आई एम सॉरी पुर्वी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ए ओ सुनना ना परा छी कांदनी क्यों ना भी कांदनी तुम अरे बाबा तुम कुछ नहीं है मोर को बाकी अच्छी मो तुमको ऑलरेडी क्षमा कर सारी तुम निज को गिल फिल कर तुमको एमती भांगी जावाक देपारिनी तुम सहारा और शक्ति मुम पाखे ढड़ा हे समस्या समाधान पे मुझे गोटे रास्ता निश्चय बाहर करी कहीं पूर्वी कहीं बारंबार तुम मत कहीं क्षमा कर दूच अरे गोटे भूल पे मनुष्य को क्षमा मिले मो भाया बारंबार 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 भूल कले क्षमा मिले दंड मिले आते दंड मिलवा दरकार मुझे निजी केमी सुधार आज मुझे निजी को दंड देवी निजे निजी को दंड देवी तुम ये कौन कर पूर्वी मत छाड़ मु मरीज को दंड देवी छाड़ मत पगल दंड ताक मिलवा दरकार जी भूल करी निज दोष को न माने कि दोष करी निज दोष को स्वीकार कर प्रायश्चित होता बड़ दंड कौन से दंड मिलवा दरकार नहीं आम जो समस्या दे गति करा कौन एत बड़ इटा कौन समाधान करने रास्ता में खोजिक पाई लाइफ रे आम या बहुत अधिक बड़ बड़ समस्या को समस्या सेते बेले थिला जिते बेले तमे मते चलेबा पई मोठारो बदला नेबा पई पार्वती मथारे सिंदूर देथिलो समस्या तो सेटा थिला जिते बेले तमें मो मथा लगे कौन दाग को लिभेबा सम्राट बाबू मो मथा सिंदूर दे समस्या तो सेटा थिला जिते बेले तमें मो मथा लगे कौन दाग को लिभेबा सम्राट बाबू मो मथा सिंदूर दे स्वामी स्त्री थाई भी परस्पर पर अजणा ही जाते गोटे छात ते रही परस्पर ठार बहुत दूर रोते से समस्या हम जीवन सब बड़ समस्या थिला से समय सब कठिन समय थिला आम जदि से समस्या को समाधान कर
से कठिन समय रो बाहर पूरी तरह एकाठी हे पाले ताले एठा गोटे एमे देखि समस्या से जोडार समाधान हे परबोनी ए पते टिके चाहिलो जाओ तमें मो सहारा हब आ तम शक्ति आम दी जन मिसी सब समस्या को सामना करवा समस्या समाधान पाई रास्ता भी बाहर करवा आम हारानी अतिथ आम जमा भी हारानी जो स्वप्न आज तुमको बहुत दूर से ला भाया लगुच से स्वप्न तुम ये हाथ मुठारे थी प्रभु दिन मैं हरि तम पाई गरम गरम चा आनी पी दियो बुझल समुदी तम घर केते काम कर खटी खटिक तम सुखी कला काठ पड़ गल मत तुमको देखले भारी दुख लगुच घर लोक मैंने समस्ते बेईमान खाली मत छाड़ी तुमको तो कहीं पचार तुम खाई कि ना पीच कि ना कहीं बुझुना बुझले समुदी तुमको देखले मत भारी कष्ट लगुच मुरा तम पाई चा कर समुदी एक सबुदिन सका तुम चा नहीं आस तुम पी सत्य मिठा मिठा कथा कह सपन ना तो कि रंगा पिंपुटा कम सब से सत्यभामा पाई बुझल समुदी तमें नरम गदी से शोल से पोड़ा मुई सत्यभामा तुमको आणिक असना घर पकेला जंदा पिंपुड़ी कामुड़े तो आए कामुड़ तुमको सब सब भाग्य नानी सब मो भाग्य बुझल मो भाग्य को सिंधुक भितर किए ताला पके ता चाबी को समुद्र फोपाड़ी दे किए ना समुदी तमे मन दुख करनी देख तम भाग्य दिने ना दिने हेले बदल हाँ अच्छा समुदी ये रंग जो घर को जा सतरे ता माँ मरी जा ना तम दी जन भर की योजना अच्छी बा योजना फोजना ना सत कह मो शाशु मरी गले बिचारी रंगटा पूरा अनाथ हो गला मिच्छा तमे डाहा मिच्छा कहू छ हां ए की कथा कहू छ नानी मु पुनी तमको मिच्छा कहबी ना हम नानी कहबी मु आठी चुती जा कहू छ खांटी सत्त ह समुदी मु सत्य व मानु अब तमे एपर सेपर करके मते भूलै दब बुझिल समुदी तमें जो घाट नीति पानी पीछ मुझे घाट में पहरुची।
ए घर नीति नीति जहा घटुसी तमे परा सब रंग को फोन करके जणौचा मु एई आखिरे देखि छी आ कान रे सुनि छी हां बुझिलो समुदी मु भल रे कहि दउ छी तमे दि जण जक सामार संपत्ति मारि नवा पई जम्मा योजना करिवो नै मो भागटा मते दे देबो नानी नानी टिके हावले नानी अरे मो कथा टिके सुनो आज्ञा हाँ हाँ आपण तो मो घर देखिछन्ते ना पूरा प्राइम लोकेशन आज्ञा हाँ मु आउ अधघंटा भितर पहुँच जाऊ जे गले डिटेल्स कथा हबा आज्ञा हाँ नमस्कार भाई कौन जाऊ छ सत्या मोर जने चिन्हा लोक सहित कथा है से घर किणिया पे राजी अछन्ते से बहुत बड़ा बिजनेसमैन मु तांको सहित कथा हबा पे जाऊ छ भाई से दिन तम जत घर बिकिबा कथा कहिलो मु तमको किछि भी कहली नी किंतु आज मु तमको न कहि रही पारुनी मु मानुची भाई अरुर बिजनेस पे बहुत टंका दरकार हेले तमे जदी आज ये घर बिकि दबो तले में समस्त रहिबा कोठी मु से विषय चिंता करि सर सत्या सुन तू तो जानि छु गारे हमर उठे घर अछि हमें समस्त जाई सेठी रहिबा अरु एठे उठे घर भाड़ा लेके ता बिजनेस करिवो पूर्वी भी ता संग रहिबो हेले भाई ओहो सत्या तू काहे इत व्यस्त हो छु कहलु देख अरुर बिजनेस भलो चलले से तो प्रॉफिट निश्चय पाइबो तापर से ओडे नुवा घर करबो आमे समस्त जाई सेठी रहबा हला एबे किंतु मते घर बिक्री करियो पडिबो एटा ही मो पकर एकमात्र रास्ता नाही बापा आपण ए घर बिक्री करबेनी नाही बापा आपण ए घर बिक्री करबेनी सब मणिशंकर निज घर सांगे गोटे निविड़ संपर्क थाए कते कष्ट करी आपण एक घर करिछंती कते स्मृति जोड़ा है आपण को एक घर सांगे दिने माँ एक घर को बोही आसते घर अगणार चौरा मूल संजपति जाने आपण को शुभ मनासी सवित्री व्रत करेंगे बापा अर्धेन्दु यही घरे जन्म नहीं सी जितेबले तांको कुनी कुनी पाथ ए चट्टान रे पके चली थिबे सितेबले आपण कित्ते खुशी हेतिबे तरे भाबिले बापा आपण दिने मते ए घर को बहु करि आनिथिले आमे समस्त ए घरे छोट बड़ खुशी मुहूर्त बीते हसी घर चारिकांत भितर हमें समस्त एकाठी सब दुख को सामना कर घर आम स्मृतिर मुहूर्त अच्छी जदि घर बिक्री तारे बापा आमर सब से स्मृति हज जीव तोर सब कथा ठीक रे मां स्मृति को हजाई दे ए संसार रे बंचिवा बहुत कष्ट हेले मो पाखरे केवल दुईटा कथा थिला गोटे हो जे ए घर आउ ए घर सहित जोड़ी रही मोर स्मृति
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମୋର ପୁଅ ଅରୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋତେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଅରୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୋର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି। କାଲି ରାତିରେ ଏ ଘରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଇ ଘଟଣା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଅଟଳ କରିଦେଲା। ଭାଇ କଣ ହେଇଥିଲା କାଲି ରାତିରେ? ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଜାଣିନି। ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ସତ୍ୟା, ଯଦି ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ମୁଁ ବାଲକୋନିକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଅରବିନ୍ଦୁ ଫେରିବା ପରେ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ବାପା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବୀ, କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସତ୍ୟ ଉଠିକି କହିଦେ।